गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास की इस वीडियो में स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, क्लासिफिकेशन, दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, उसका एडिशन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, डिनोमिनेटर को इक्वल करना एंड न्यूमरेटर के बारे में कुछ कुछ हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। दिस इज योर चैप्टर 5 और दिस चैप्टर इज कॉल्ड, दिस चैप्टर इज ऑपरेशन ऑन रजिस्टर नंबर्स। तो इसमें रजिस्टर नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, जो मैथमेटिकल साइन होता है, इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो दो रजिस्टर नंबर या दो से ज्यादा रजिस्टर नंबर होता है तो उसका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कैसे करना है, ये इस वीडियो में और इस सेक्शन में हम लोग वो चीज सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एडिशन है तो एक्सरसाइज अगर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि स्पेशल कोई अलग से कुछ बताना नहीं, आप लोगों को पता है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन का अगर रजिस्टर नंबर का होता है तो एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये देखना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो हम लोग का उसका डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होता है तो पहला प्रायोरिटी ये होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, दिस इज फॉर क्लास 7 एंड दिस इज चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 एंड इसमें 1 का 1 जो है हम लोग को ऐड करना है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स -5/7 एंड 3/7, इस दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर सम करना है, ऐड करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, जो एंड एंड है इसके बीच में हम लोग प्लस का साइन देंगे 3/7। 7 और 7 दोनों कैल्शियम कितना होंगे 7, और डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो -5 + 3 होता है कि जब अपोजिट साइन होता है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले नंबर के सामने साइन होगा, लेकिन तो 2/7 जो होगा वो इसका आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग मेन है, मेन फोकस करना है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे इसका सेकेंड क्वेश्चन, मतलब 2 का 1, 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन, उसमें अगर हम लोग 2 मिनट में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ऐड करना है 3/4 एंड -3/5। तो अगर इसको ऐड करें 3/4 प्लस -3/5, तो 4 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 20। अब पहला काम क्या होता है कि फर्स्ट जो फ्रैक्शन लेते हैं इसमें देखते हैं इसके डिनोमिनेटर में 20 कितने बार जाता है। तो 4 के टाइम में 20 कितने टाइम्स रहेगा, 5 टाइम्स रहेगा, तो इसके ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, तो उसके ऊपर -3 में हमको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 = 15, और ये प्लस माइनस माइनस 3/4 = 12/20। अब 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा 3/20 और ये इसका आंसर हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो पहला यही काम होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये काफ़ी इजी है, हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहला काम होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना और फिर उसका कैलकुलेशन करना। एक और क्वेश्चन है 3 नंबर सिंपली फाइंड, इसमें हम लोग को सिंपली फाइंड करना है। सिंप्लीफाई में जैसे 8/9 एंड -11/6, 8/9 प्लस -11/6। वंस अगेन दोनों का डिनोमिनेटर 9 और 6 से डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने का रूल क्या होता है कि सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम जो होगा वो हम लोग का 18 होगा, फिर 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, 3 में -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 2 8 का 16
प्लस माइनस माइनस और 11 तेजा 33 बड़ी 18। अब ये प्लस और ये माइनस है तो 33 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 70 बाई 80 इधर राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पूरा पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, काफ़ी इजी है, बस चार ही क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट में है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट डिजिटल नंबर फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड है सब्ट्रैक्ट, तो जिस हिसाब से हम लोग ऐड किए डेनोमिनेटर को इक्वल करके, इसमें भी वैसे ही करेंगे डेनोमिनेटर को इक्वल करके। इसमें से भी हम आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बताते जाते हैं और आप लोग फर्दर घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। Subtract the first digital number from the second in each of the following cases. In each of the following. उसमें first को second में से subtract करें। जैसे first question है 5/8 -3/8। अभी पता है कि add या subtract में पहले जो priority होता है वो denominator equal करें। तो इसमें तो पहले से denominator equal है, तो दोनों का LCM सीधे 8 होगा। और अब ये 5 -3 subtract करेंगे तो 2/8। अगर रिड्यूस होने वाला टर्म है तो इस टर्म में जिसको कन्वर्ट करेंगे 2 × 2 हो जाएगा 1/4 और ये इसका फर्दर आंसर आएगा। नेक्स्ट है इवेलुएट, ये इंपॉर्टेंट, ये अच्छा है। इवेलुएट 2/1, इसको हम लोग को इवेलुएट करना है, मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है 2/3 -3/5, तो 3 और 5 का एलसीएम अगर लेते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम डेनोमिनेटर को सेम करना या फिर एलसीएम लेना। तो 3 और 5 का एलसीएम हम लेते हैं, कितना हो गया 15। अब 3 की टर्म में 15 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 -5 की टर्म में 15 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3। अब ये 2 × 5 18 और 3 × 3 = 9, 10 में से 9/15 सब्ट्रैक्ट होगा 1/15 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये हिसाब से हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। फिर कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग इसको फर्दर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे दशम ऑफ टू नंबर्स इज 5/9, वन ऑफ देम इज 1/3, फाइंड द अदर। उसी तरह मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही है, सम दिया हुआ है और एक नंबर दिया है, बाकी दूसरा नंबर निकालना है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन है और लैंग्वेज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, तो उसमें से कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन भी हम बताते रहते हैं। जैसे इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3, वन ऑफ द नंबर इज -5, फाइंड द अदर। वी आई कि दो नंबर का सम -4/3 है और एक नंबर इसमें -5 है, तो अदर नंबर क्या होगा। तो लाइक पहले फर्स्ट नंबर दिया हुआ है -5 और सम इसका दिया हुआ है -4/3। सबसे पहले लिंक करेंगे लिंक, सेकंड नंबर बी एक्स, एक्स लिंक कर लिए। अब ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का सम होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू इसका सम हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हम लोग का है -5 प्लस सेकंड नंबर एक्स इज इक्वल टू इसका सम है -4/3। तो हम लोग अगर x का वैल्यू निकालना चाहिए -5 इधर आके क्या होगा +5, तो x इज इक्वल टू -4/3 और +5 x, ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे
3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 की जगह 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 1 में माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इनटू 2 प्लस 1 की जगह 3 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 4 इनटू 1 माइनस 4 और 5 से 15 बाय 3, तो x इज इक्वल टू 11 बाय 3। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो x is equal to 3 standard number 3 in the right hand। इस हिसाब से इस एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग सब ऐसे ही है, ऐसे ही सॉल्व होने वाला है लगभग सारा का सारा क्वेश्चन। एक 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 14 12 ये सब डिफरेंट है, तो 13 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं 5.2 का 13 नंबर। तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्यूशन करना है। थर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू, थर्टीन नंबर क्वेश्चन आप लिखते भी है यहाँ पे, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 टू गेट थ्री। मतलब क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1/5 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, इसमें से कितना ऐड करें कि 3 आ जाए। तो पहला अगर डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो क्या करेंगे कि सबको ऐड करके 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऑल ऑफ द फ्रैक्शन हम लोग होगा 3 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसकी जो 1 मान लीजिए सबसे पहला काम जो होगा ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 3/1 माइनस 2/3/5 का एलसीएम जो होगा ये होगा 30। टू के टेबल में 30 कितने बार बार में आएगा, 15 टाइम्स को टू में 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस 3 के टेबल में 30 कितने आएगा, 10 टाइम्स 10 3 × 10 15 × 15 और 5 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा, 6 और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये 3/1 माइनस सबको ऐड करते हैं तो 15 और 10 25 प्लस 6 31/30 आएगा। अब इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे सब्ट्रैक्ट को निकाल तो 1 और 30 का एलसीएम होगा 30, 1 के टेबल में 30 आएगा 30 टाइम्स में तो 30 × 3 कर देंगे माइनस 30 के टेबल में 30 1 बार में 1 × 31 30 में से 13 × 3 90 माइनस 31/30 तो 90 में से अगर 31 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, ये हो गया 59/30। और अगर इसके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं 30 से 59 में डिवाइड करते हैं तो 1 बार में रहेगा 30 और ये हो गया 29, 3 में से 9 और इसका आंसर होगा 1:29/30 या फिर 1:79/30। तो क्वेश्चन क्या था, 1/2, 1/3, 1/5 में कितना ऐड करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो सबसे पहले 3 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 किए, इसका एलसीएम ले लिए तो 15 + 10 + 6 टोटल आ गया 31/30 और फिर इसका एलसीएम ले कर एलसीएम के 1:29/30 इसका आंसर आ गया। तो ये दो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 आप लोग घर से बना के लाइएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 को बनाएंगे जो कि इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए घर पे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से और अच्छे से आप लोग बनाएगा। ओके बाय।